वेलकम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हीलिंग प्लस 777 फैमिली में। तो आज की जो रीडिंग है, ये रीडिंग है कि आपकी मंथली गाइडेंस क्या है नवंबर मंथ के बारे में। और अगर आप पहली बार आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले, हमेशा की तरह ही, हम यहाँ पे लेंगे आप लोगों के लिए तीन ऑप्शंस, और आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो गाइडेंस के लिए पूरा वीडियो देख सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू सो वेरी मच टीवाएँ, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन वन के लिए। बाकी यहाँ पे साइड में कार्ड रखे हैं, हमेशा की तरह ही डिटेल रीडिंग रहेगी कि क्या मैसेजेस आ रहे हैं सभी लोगों के लिए, सभी अलग अलग एरियाज में आपकी लाइफ के। थैंक यू सो वेरी मच टीवाएँ, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन टू के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन थ्री के लिए आप क्या गाइड करना चाहते हैं, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। बहुत सोच समझ के काम करने वाले हैं ऑप्शन थ्री इस मंथ में। समाधि का मैसेज है, ये मैसेज है मेडिटेशन का या यूनिवर्स के साथ अपने कनेक्शन को और भी स्ट्रॉन्ग करने का। ओके, ऑप्शन वन के लिए यहाँ पे कार्ड है लॉर्ड ब्रह्मा का। ऑप्शन टू के लिए यहाँ पे कार्ड है धारणा का। ऑप्शन थ्री के लिए यहाँ पे कार्ड है मां सरस्वती का, बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे असिस्टेंट मास्टर्स अपीयर हैं, दो असिस्टेंट मास्टर अपीयर हैं, लॉर्ड ब्रह्मा और मां सरस्वती। तो देखते हैं किस तरह की रीडिंग रहती है इस मंथ की, और सामने हैं गणेश जी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं ऑप्शन वन के साथ में, आप वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिएगा। वेलकम ऑप्शन वन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि यहाँ पर आपको डिवाइन क्या गाइड करना चाहते हैं नवंबर मंथ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन वन को नवंबर मंथ के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है हैप्पी सरप्राइज का। मुझे लगता है कि आपको जैसे किसी न्यू बिगनिंग का वेट है, क्यूरियोसिटी, कोई आपके लिए प्रोजेक्ट हो सकता है या किसी चीज़ के लिए आपको सीरियस होने की ज़रूरत रहेगी इस मंथ में। देख लेते हैं आपके कैरियर और फाइनेंसिस की एनर्जीज कैसी हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, ऑप्शन वन को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, यहाँ पर ये कार्ड ऑलरेडी आ गया है आपके कैरियर में, ये कार्ड है आपके लिए आपके फाइनेंसिस में, बहुत ही अच्छा कार्ड है क्वीन ऑफ अर्थ का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ वाटर का कार्ड। तो पहले कुछ कार्ड्स ले ही लेते हैं। ये कार्ड है आपके रिलेशनशिप्स के बारे में, यानी कि आपके जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उनके बारे में। आप चाहें तो इस प्रोसेस को थोड़ा सा स्पीड अप कर सकते हैं, या फिर आप थोड़ा सा आगे बढ़ सकते हैं। कैमरे पे शफल करना ठीक रहता है, इसलिए मैं कैमरे पे शफल करना ज़्यादा प्रीफर करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप लोगों की एनर्जीज भी इसमें आ जाती हैं, बस छोटा सा कारण है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए कॉलिंग इन योर सोलमेट का मैसेज। सोलमेट का मैसेज, ओके, यानी कि बहुत स्ट्रांगली सोलमेट की एनर्जीज हैं आपकी पाइल में। गुड, वेरी गुड। ये कार्ड्स हैं आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में। थैंक यू, ओके। तो किसी की जरूरत, अगर किसी की मदद आपको इस मंथ में करनी पड़ती है तो बिल्कुल कीजिएगा, और ये आपका समय हो सकता है, या फिर आप किसी के साथ कोई एक्ट ऑफ काइंडनेस कर सकते हैं। तो ये लेंगे नहीं, बस इसका मैसेज हमने देख लिया है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। मुझे लगता है आपके गुड कर्मास का रिजल्ट इस मंथ में आपको मिलेगा या मिलना चाहिए। जो लोग भी गुड कर्मास करते हैं, डेफिनेटली उनकी बात हो रही है ये। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन वन को। ओके, यहाँ पे लेते हैं आपकी हेल्थ के लिए मैसेजेस। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आज नंबर आप फिर आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन वन को नवंबर मंथ के लिए। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए कैफीन फ्री का यहाँ पे मैसेज, और ये है डिटॉक्सिफिकेशन का मैसेज। बहुत ही मिले जुले मैसेजेस हैं, यानी कि आपके कार्ड्स एक्चुअली कंफर्म कर रहे हैं आपके मैसेजेस को दोहरा के अपने आप को, यानी कि इन बातों पे आपको ध्यान देने की या इनको सही तरीके से सुनने की या समझने की ज़रूरत है। ये मैसेजेस हैं आपके एंसेस्टर्स की तरफ से, या जिनसे भी आप लेना चाहते हैं उनकी तरफ से।
थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच एंसेस्टर्स आपकी प्रेजेंस के लिए। आप क्या गाइड करना चाहते हैं? आई हैव बिकम वन ऑफ योर गाइड्स, तो वो आपके गाइड हैं, आपके एंसेस्टर आपको यही बताना चाहते हैं। वी विल बी टुगेदर अगेन डेफिनेटली, जब अदर वर्ल्ड में हम जाते हैं तो अपने जो भी हमारा सोल ग्रुप है, सोल फैमिली है, उनसे हम डेफिनेटली मिलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ब्लेसिंग्स, लेकिन वो देखेंगे हम लास्ट में इस कार्ड के द्वारा, कीपर्स ऑफ द लाइट के द्वारा टैरो कार्ड्स लेंगे, लेकिन कुछ देर में पहले हम ये मैसेजेस देख लेते हैं। तो आपके लिए यहाँ पे कार्ड है लॉर्ड ब्रह्मा का, तो आपके लिए कोई ना कोई सर्कल कंप्लीट हो रहा है इस मंथ में, और ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपका कैरियर या तो कोई नई दिशा लेने वाला है। अगर आप अभी तक किन्हीं चीज़ों को पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे, तो उन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। साथ ही साथ आपके लिए, आपके कैरियर में है हर्मिट का कार्ड, स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग, सेल्फ डिस्कवरी। तो अपने कैरियर के बारे में, या फिर अपनी लाइफ को एक नई दिशा देने के बारे में, अपनी कैरियर को एक नई दिशा देने के बारे में आप कुछ ना कुछ यहाँ पे सोच सकते हैं, या कुछ सोच समझ के आप डिसीजन लेंगे। अपने कैरियर के मामले में आप बहुत ही स्टेबिलिटी की जगह से काम को करेंगे, साथ ही साथ आपके अंदर एक थॉटफुलनेस रहेगी। क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है यहाँ पे, ये आपके फाइनेंसिस में है। मेक टाइम फॉर दोस अराउंड यू, टेक अ सेंसिबल अप्रोच, डील विद चैलेंजेस इन अ काइंड एंड अंडरस्टैंडिंग मैनर। अपने फाइनेंसिस के साथ में आप बहुत ही ज्यादा संभल के काम करेंगे, या फिर आपको जो भी ऑफर मिल सकता है, या आपके लिए कोई सरप्राइज हो सकता है जो कि आपको ऑफर के रूप में मिले, और आप खुद भी सरप्राइज हो जाएं कि आपको ये ऑफर कैसे मिल गया है। लेकिन साथ ही साथ ये आपके लिए एक बहुत बड़ी ग्रैंड अपॉर्चुनिटी हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ, आपका कैरियर, आपके फाइनेंसिस चेंज हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा है आपके लिए कि आप किसी न किसी प्रोसेस के अंदर हैं लॉर्ड ब्रह्मा के कार्ड के द्वारा, और आप निश्चिंत भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक हर्मिट मोड में आप दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉर्ड ब्रह्मा ने भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। और यहाँ पर हर्मिट भी जब बैठता है या चलता है यात्रा में, तो ये बहुत डीप एनालाइजेशन करता है, एक कोल्ड सोल होता है। तो डेफिनेटली आप अपने फाइनेंसिस और कैरियर को लेकर इस मंथ में बहुत गंभीर रहने वाले हैं, और आप गहन चिंतन विचार करके ही कोई डिसीजन लेंगे। कोई भी हैप्पी सरप्राइज जो आपको मिलने वाला है अपने कैरियर के मामले में, अपने फाइनेंसिस के मामले में, वो आपको गहन चिंतन करने के बाद ही मिलेगा, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ओवरऑल कैरियर और फाइनेंसिस आपके स्टेबल ही रहने वाले हैं। यहाँ पे आपका कार्ड है सोलमेट का, ये कार्ड कहता है यस दिस इज योर सोलमेट। तो ये आपकी सोलमेट की तरफ से भी कोई ऑफर हो सकता है, कोई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आपके लिए हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने रिश्तों को डिटॉक्सिफिकेशन में ले जाने की जरूरत है, या उनको डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत रहेगी इस मंथ में, क्योंकि आपके लिए जस्ट बराबर में ही कार्ड है डिटॉक्सिफिकेशन का। इसमें आप आर्चेंजल राफेल से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी लाइफ को डिटॉक्सिफाई किया जाए, ताकि आप हैप्पी और हेल्दी तरीके से आगे बढ़ सके, और केमिकल्स उसमें ना हो। केमिकल्स का मतलब यही है कि जो भी आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, जो बाहर से आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता और बाहर से आपके शरीर में आती हैं, आपकी लाइफ में आती हैं, वो ना हो। इसी तरह से आपके रिश्ते में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसके बारे में आपको थोड़ा गहन चिंतन विचार करना होगा, क्योंकि इसके जस्ट बराबर में ही कार्ड है हर्मिट का। यहाँ पे ये कार्ड है आपके अंदर रिलेशनशिप के बारे में, होप इज नेचर्स वे ऑफ एनेबलिंग अस टू सर्वाइव सो दैट वी कैन डिस्कवर नेचर इटसेल्फ। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपको होप नहीं खोनी है, आपको ये देखना है कि आपकी लाइफ में जिस भी चीज को हीलिंग करने की जरूरत है या हीलिंग की जरूरत है, आप उसकी तरफ फोकस करें और उस चीजों को ब्लेस करें, बजाय इसके कि आप लाइफ में चीजों को लेकर डिसअपॉइंटमेंट में जाएं, या फिर आप ये सोचें कि लाइफ में कुछ नहीं हो सकता है, सब चीजें खराब हो रही हैं। लाइफ में सब चीजें ही खराब होती हैं, उन्हीं बातों को, उन्हीं चीजों को आपको इस मंथ में डिटॉक्सिफिकेशन में ले जाने की जरूरत है, या डिटॉक्सिफाई करने की जरूरत है, और ऐसी चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है जिससे कि आप हेल्दी और हैप्पी रह सके। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने थॉट्स को इस मंथ में डिटॉक्सिफाई करना होगा। ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं या अपनी ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपके लिए जरूरी रहेगा इस मंथ में कि आप अपनी होप को बनाए रखें और किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी को या नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने दें। ये बहुत ही सिंपल एनर्जी है, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीजें इस मंथ में आसान हो जाएंगी। तो आपके जो एंसेस्टर हैं, उनमें से कोई ना कोई आपके साथ में है जो कि आपके लिए एज ए गाइड काम कर रहे हैं, आपको गाइड करते हैं, या फिर आपको गाइड कर रहे हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें और आप सही दिशा में जा सकें। वही आपको कह रहे हैं कि अपने अंदर होप जगाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए, अपनी ग्रोथ करते रहिए। नीचे जो कार्ड गिरा था, ये कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का। तो अपने इमोशंस को देखना होगा इस मंथ में कि आपके इमोशंस बैलेंस में रहें, और अगर आप किसी को ज़्यादा दे रहे हैं या दे रहे हैं तो रिसीव भी करें, और अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो देना भी सीखें, यानी कि आप गिविंग और रिसीविंग के मोड में रहें। जितना आपके पास आता है या आ रहा है, उसको बैलेंस करना आपको आना चाहिए। तो
तो देखते हैं यहाँ पर आपको क्या जानने की ज़रूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन वन को क्या जानने की ज़रूरत है नवंबर मंथ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, आपके लिए कार्ड है एम्प्रेस का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन वन को क्या करने की ज़रूरत है। ओके, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है सेवन ऑफ सोर्ड्स का। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन वन को क्या रिलीज करने की ज़रूरत है इस मंथ में। वाओ, आपके लिए यहाँ पे कार्ड है एस ऑफ पेंटाकल्स का। डेफिनेटली आपके लिए कोई न्यू प्रोजेक्ट है जिसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिए, या फिर आप ध्यान देंगे इस मंथ में जब आपके सामने वो आएगा। यूनिवर्स के साथ अलाइन होने की एनर्जी से, जो कि मुझे लगता है कि आप अच्छे से हैं, क्योंकि शायद आप बहुत सोच समझ के कामों को या चीज़ों को कर रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यहाँ पे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। सेवन ऑफ सोर्ड्स का क्लैरिफिकेशन। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। नाइट की एनर्जी। ओके, आपके लिए यहाँ कार्ड है सिक्स ऑफ सोर्ड्स का, बहुत ही खूबसूरत। ऑप्शन वन, आपको जो जानने की जरूरत है वो ये है कि आपको अपने एफर्ट्स करते ही रह रहे हैं जो आप कर रहे हैं। नाइट ऑफ कॉइन्स का कार्ड है यहाँ पे, जो कि स्टेबल एनर्जी की बात कर रहा है, और एम्प्रेस का कार्ड भी यहाँ पे स्टेबिलिटी लेकर ही आया है आपके लिए। तो कुछ चीज़ों को बनाने में या कुछ चीज़ों को करने में एक स्टेबल जगह से काम करना पड़ता है। अगर आप अपने आप को अप एंड डाउन में रखते हैं, या फिर आप से सोचते रहते हैं और आप कोई डिसीजन लाइफ में नहीं लेते हैं, या फिर आप कभी अच्छा सोचते हैं कभी बुरा सोचते हैं, कभी पॉजिटिव सोचते हैं कभी नेगेटिव सोचते हैं, सोच के अंदर आपकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यानी कि लाइफ को लेकर, मैं ये नहीं कह रही कि आप हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं हमेशा नेगेटिव रह सकते हैं, मेन बात यह है, कहने का उद्देश्य ये है कि आपको अपने थॉट्स को चूज करना होगा कॉन्शियसली कि आप पॉजिटिविटी के साथ, होप के साथ जुड़े, जो कि यहाँ पर आपका ऑलरेडी मैसेज है होप का। ये आपकी लाइफ के अंदर तभी हो सकता है जब आप इसको अपना नेचर बनाते हैं, या फिर आप तभी सर्वाइव कर सकते हैं जब आप होप के साथ जुड़ते हैं। जो स्टार का कार्ड है टैरो के अंदर, वो भी होप की बात करता है। तो अगर आप अपनी विशेस पूरा करना चाहते हैं, या विश आप चाहते हैं कि आपके कोई ग्रैंड करे यूनिवर्स, उसके लिए जरूरी है कि आप अपने उस सर्कल को कंप्लीट करने के लिए एक स्टेबल जगह से काम करें, स्टेबिलिटी से काम करें। ये स्टेबल जगह कहाँ से आती है, जब आप अपने पास्ट और फ्यूचर के अंदर परेशान नहीं होते। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है सेवन ऑफ सोर्ड्स का। सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड चीटिंग की बात करता है। डेफिनेटली यहाँ पर आपसे कहा गया है कि आपका पास्ट और फ्यूचर, आपके प्रेजेंट जो भी व्यवहार हैं, आपके एक्शंस हैं, आपके थॉट पैटर्न हैं, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी बना रहे हैं अपने फ्यूचर के लिए, अपने प्रेजेंट में डिसीजन लेके, उसमें आपको अपने पास्ट के प्रति भी अवेयर रहना होगा। यानी कि पास्ट में आपके साथ में क्या हुआ, क्यों हुआ, किस लिए हुआ। आपने शायद लोगों के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस करने का वक्त जा चुका है, आपके साथ लोगों ने बहुत धोखा किया है, इस वजह से अब आपको सेक्रीफाइस की एनर्जी में नहीं जाना है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। ये कार्ड इस वाले टैरो डेक के अंदर जो कहानी कहता है वो यही कहता है कि जो ये नाइट ऑफ कप्स होता है, ये इतना डेडिकेटेड होता है कि ये अपने गांव वालों के लिए, ये अपने जो भी गांव वाले होते हैं उनके लिए ये अपनी जान दे देता है, ये पत्थर का हो जाता है। तो यहाँ पे आपको ये होने की जरूरत नहीं है, आपको पत्थर का नहीं बनना है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजंस लेने आपको पड़ सकते हैं जिसमें आपको पत्थर का नहीं बनना है, जिसमें आपको अपनी स्ट्रेंथ दिखानी है और अपने डेफिनेटली हार्ट स्पेस से काम करना है, और आपको आगे बढ़ना है। आपको डिटॉक्सिफाई करना है अपनी उस एनर्जी को जो कि आपकी लाइफ में, चाहे किसी रिलेशनशिप में है, चाहे लोगों के द्वारा इकट्ठी की गई है, चाहे लोग आपको भेज रहे हैं आपके अंदर की है, या लोग आपके अंदर क्रिएट कर रहे हैं। ये चीज़ें अंदर से ही क्रिएट की जाती हैं, अंदर से ही खत्म होती हैं। तो अगर आप अपने अंदर की एनर्जीज को अलाइनमेंट में रखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आप लाइफ के लिए बड़े डिसीजन ले सकते हैं, या फिर आपको लेने चाहिए। ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज हैं जो कि ये कहती हैं कि अगर आप स्टेबिलिटी की जगह से काम करेंगे तो आप अपनी लाइफ में जो ये अबंडेंस की एनर्जी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप करना चाहते हैं, या आप बहुत आराम से कर पाएंगे। तो इसके लिए एक बार क्लैरिफिकेशन लेंगे हम कि यहाँ पे ये टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है। अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो आपको कोई डिसीजन डेफिनेटली लेना होगा। आपको अपने फियर्स पे कंट्रोल करना होगा, या फिर उन पे काबू पाना होगा। फियर की एनर्जी से आप काम नहीं कर सकते। अगर आपने लॉर्ड गणेशा का वीडियो नहीं देखा है, तो आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो देखिएगा, आपको उसमें समझ में आएगा कि लॉर्ड गणेशा भी आपसे कह रहे हैं कि फियर की एनर्जी में नहीं जाना है।
स्ट्रेंथ का कार्ड यही कहता है कि आपको अपने फियर्स को देखना है, उनसे भागना नहीं है और उनको कंट्रोल करना है, उसके कंट्रोल में नहीं जाना है। तो यहाँ पर अगर आप ये चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हों, आपकी ग्रोथ हो, एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आए, जो काम आप कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े, या फिर जो काम आप करना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़े, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर ज़रूर फोकस करें। वैसे यहाँ पे आपके लिए जो एडवाइस है वो यही है कि जब तक आप अपनी चीज़ों का कमांड अपने हाथ में नहीं संभालते हैं, तब तक ग्रोथ नहीं होती है। ग्रोथ तभी हो सकती है जब आप अपनी लाइफ का कमांड अपने हाथ में संभालते हैं, ना कि अपना कमांड दूसरों के हाथों में दे देते हैं। अगेन एम्प्रेस की एनर्जीज आपके कार्ड रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपके कार्ड्स में जो भी रिपीटिशन है वो यही कहता है कि आपकी लाइफ में एक एबंडेंस की एनर्जीज हैं। इस मंथ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है आपके लिए, लेकिन उसकी तरफ फोकस आपको करना होगा। एक स्टेबल जगह से आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेने होंगे। इस मंथ में आप जिस भी स्टेबिलिटी से काम करना चाहते हैं या फिर आप करना चाहें, उसमें आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, वो उत्साह उमंग होना चाहिए, जिससे कि आप उन चीज़ों को कट कर सकें जो कि आपकी लाइफ में टॉक्सिक जो एनर्जीज हैं उसको बढ़ाती है, जो कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर आती है, चाहे वो कोई सी भी हो, किसी भी थॉट पैटर्न से हो। इसलिए आपको कुछ चीज़ों को बहुत ही डीपली एनालाइज करना होगा। इसलिए भी ऑलरेडी आपके लिए कार्ड है हर्मिट का, तो डीपली एनालाइज करेंगे, अपनी चीज़ों को समझेंगे, अपने पास्ट की एनर्जीज को याद रखेंगे, फ्यूचर की तरफ फोकस करेंगे, तो अपने प्रेजेंट में आप बहुत कुछ स्टेबिलिटी से कर पाएंगे या सोच समझ के आप डिसीजन ले पाएंगे। आपको जो ये मून साइकिल्स हैं कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं, तो जो भी ये इफेक्ट आपके ऊपर आता है उनको थोड़ा कंट्रोल करने की आपको ज़रूरत है। आपके लिए एक न्यू स्टार्टिंग है, लेकिन उससे पहले आपको कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी और अपने उत्साह और एनर्जी को इस मंथ में आपको बनाए रखना होगा। ओवरऑल मुझे ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है जो कि आपको परेशान करे, लेकिन आपको फिर भी कहीं ना कहीं इस बात से अवेयर रहना होगा कि आगे बढ़ने में आप कहीं अपने आप को बेखबर ना कर दें, बेफिक्रा ना कर दें, बेपरवाह ना कर दें, यानी कि आप आगे तो बढ़िए, लेकिन सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से सावधान रहिए। ये चीटर का कार्ड है, थीप का कार्ड है, चोर का कार्ड है, तो चोरों से सावधान रहिएगा, चाहे वो एनर्जी चुराते हों, चाहे वो आपके आइडियाज चुराते हों, चाहे वो आपकी लाइफ में कुछ और क्रिएट करने की कोशिश करते हों, ऐसे लोगों से सावधान रहते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। अगर पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो आपको और भी ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपकी फियर की एनर्जी से बाहर निकलने का वक्त है और कोई ना कोई डिसीजन लेने का वक्त है, होपफुल रहने का वक्त है, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। आपके यहाँ पे कार्ड है कॉल टू एक्शन का, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि आपको एक्शन लेना होगा, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, उत्साह एनर्जी बनाए रखेंगे तो वो आप कर पाएंगे। ये कार्ड आपकी ब्लेसिंग्स में है। डेफिनेटली आपको चार्ज संभालना होगा, ऑलरेडी मैंने आपको बोला ही था इस बात को, और ये कार्ड आपसे कहता ही है कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जांपल, वॉक योर टॉक। तो आपकी ब्लेसिंग्स भी यही है कि आपके लिए आगे बढ़कर अपनी चीज़ों का कमांड संभालना ही सबसे अच्छा है। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है क्लॉक ऑफ विजडम, यू ऑलरेडी नो द आंसर, यू सी, ट्रस्ट व्हाट यू नो। अगेन आपके कार्ड जो हैं रिपीट हो रहे हैं। इस मंथ में जो भी आप जानते हैं उसको ट्रस्ट करने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि अगर पास्ट में आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है, किसी सिचुएशन में आपके साथ कुछ बुरा हुआ है, आपकी सिचुएशन में जो कुछ भी हुआ है उसको याद रखते हुए ही आपको आगे बढ़ना है। भूलना नहीं है, बेपरवाह नहीं होना। एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। डेफिनेटली आपकी एनर्जीज हाई रहेंगी और अच्छी तरह से आगे बढ़िए, जो कुछ आप करना चाहते हैं कीजिए, क्योंकि चुपचाप बैठे रहने से तो काम नहीं होता है और ना ही होगा। इसलिए अपने कामों को करते रहिए, अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने गिफ्ट्स को शेयर कीजिए लोगों के साथ, लोगों को आप इंस्पायर कर सकें, खुद भी इंस्पायर रह सकें। ओके, तो बॉटम ऑफ द डेक है लॉर्ड शिवा और माँ काली का कार्ड, फेसिंग फियर। ऑलरेडी देखिए यहाँ पे ये लिखा है। वैसे भी मैं हमेशा ही कहती हूँ स्ट्रेंथ के कार्ड से मुझे माँ काली की या माँ दुर्गा की एनर्जीज मिलती हैं। यहाँ पे माँ काली भी आपसे यही कह रही हैं कि आपके लिए मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोल। तो आपको कोई ना कोई चांस दे रहा है यूनिवर्स, या फिर मिल रहा है आपके गुड कर्मास की वजह से, उसकी तरफ ध्यान देना होगा। लॉर्ड शिवा कहते हैं राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो डेफिनेटली आपके लिए कोई ना कोई नए दरवाजे, नए रास्ते खुल रहे हैं और यही चीज आपको ब्लेसिंग्स में मिल रही है। देखते हैं और क्या अदर मैसेजेस हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। सीड्स ऑफ अबेंडेंस, अगेन अबेंडेंस का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड भी अबेंडेंस की बात करता है। तो आपसे यही कहा गया है, जो बात मैंने आपसे कही थी वही बात कार्ड भी कह रहे हैं। नेचर नोज द अबेंडेंस इज द स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ गिविंग रेदर देन होल्डिंग। तो आपको देना है, होल्ड नहीं करना है। इट इज ए कंटिन्यूअल फ्लो ऑफ एनर्जी टू द होल। तो आप देते रहते हैं, रिसीव करते रहते हैं, यही एक फ्लो होता है। तो आप अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने जो भी आपके विस्ट आपकी
आपके जो भी गिफ्ट्स हैं उसको शेयर कीजिए, उनके द्वारा जो आप लोगों को दे सकते हैं वो आप दीजिए, यानी कि जो भी आप मानवता की भलाई के लिए कर सकते हैं बिल्कुल कीजिए, और इस तरह से आपकी लाइफ में एक फ्लो होगा एनर्जी का इस मंथ में। अबंडेंस कैन बी एक्सपीरियंस्ड विदाउट हैविंग अ लार्ज बैंक बैलेंस, तो अगर बैंक बैलेंस बहुत बड़ा नहीं भी है तो भी आप अबंडेंस को फील कर सकते हैं। अबंडेंस फील करने के लिए आपका जो हार्ट है वो सही होना चाहिए, यानी कि आपने हार्ट स्पेस से अगर काम कर रहे हैं तो आप सेटिस्फाइड ही रहते हैं, आपको भूख नहीं होती किसी चीज की। बी ओपन टू द फ्लो, लाइफ इज ऑलवेज रेडी टू पोर गुड एनर्जी योर वे इफ यू आर ओपन टू बीइंग ए चैनल नॉट अ रिजर्वायर। तो आपको इन दोनों ही कार्ड्स में यही कहा गया है कि आपको एनर्जीज का फ्लो करना है और उस फ्लो को होने देना है, होल्ड नहीं करना, किसी के लिए कुछ अच्छा करना है। उस कार्ड में भी आपसे यही कहा गया है जो आपके फैमिली के रिलेशनशिप के बारे में है या अदर रिलेशनशिप के बारे में, कि आपको किसी न किसी की मदद करनी है, एक्ट ऑफ काइंडनेस करना है। मे बी ये एक्ट ऑफ काइंडनेस ही आपके लिए कोई ना कोई गुड कर्मा जनरेट करेगा इस मंथ में और उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होगा। लाइटनिंग द डार्कनेस के यहाँ पे आपके लिए कार्ड है, तो जैसे कि दिवाली का सीजन भी है तो यहाँ से आप यहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि लविंग हार्ट की लाइट भी इल्यूमिनेट करती है, वर्ल्ड को रोशनी ला सकती है, इसलिए आप लाइफ में आगे बढ़िए। आपके पास कुछ ऐसे गिफ्ट्स हो सकते हैं, ऐसी आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जिनको अगर आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो आप बहुत कुछ दुनिया में अच्छा जनरेट करने वाले हैं या कर सकते हैं, इनकी पूरी तरह से यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहा है और आपके लिए हैप्पी सरप्राइजेस हैं। सरप्राइज ही इसलिए है क्योंकि शायद अगर आपको मालूम होगा आप उसको खराब कर देंगे, इसलिए आपको भी नहीं बताया गया है, वो चीजें सरप्राइज हैं। क्या होगा, कैसे होगा, सरप्राइज है, अचानक ही होगा, लेकिन जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। लेकिन इन सब में याद रखिएगा आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस क्या हैं, लोगों के साथ, सिचुएशंस के साथ, लोगों ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया है, कितना व्यवहार किया है, आपके साथ पास्ट में किस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं, उनको याद रखकर ही किसी काम को कीजिएगा तो आपको फायदा रहेगा। ये मुझे एक्चुअली एक वार्निंग साइन की तरह दिखाई दे रहा है, अगर इसको आप याद रखते हैं तो इससे आपको कोई ना कोई बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो होप कि आपके लिए नवंबर मंथ की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहे, वाला समय भी बहुत शुभ रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन टू, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको डिवाइन नवंबर मंथ के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन टू को नवंबर मंथ के लिए। ओके, यहाँ पे आपके लिए कार्ड है ब्रदर और सिस्टर का। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए हैप्पी थॉट्स का। देखते हैं आपके फाइनेंसिस और कैरियर के लिए क्या मैसेजेस है नवंबर मंथ में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या वेट करना चाहते हैं ऑप्शन टू के कैरियर के लिए। आपके लिए कार्ड है द वर्ल्ड का, बहुत ही खूबसूरत। आर्चेंजल माइकल का कार्ड है वैसे। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आप क्या वेट करना चाहते हैं। टेन ऑफ फायर का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए अवेकनिंग का, आर्चेंजल गैब्रियल का। लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अ टेम्परेरी स्टैंड स्टिल, इट्स इंपॉर्टेंट टू बी योर सेल्फ। तो ये कार्ड वैसे टैरो के अंदर है हैंगमैन का, तो आपके रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में देख लेते हैं। वेरी सून का यहाँ मैसेज है और ये मैसेज है आपके लिए, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए कॉलिंग इन योर सोलमेट का मैसेज। तो अगर आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो उस तरह की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। ये है कार्ड आपके अदर रिलेशनशिप के बारे में। थैंक यू सो वेरी मच। कार्ड लेंगे आर्चेंजल राफेल का। अनकंडीशनल जॉय, हाइड्रेशन। बॉटम ऑफ द डेक है डाइट इज इंपॉर्टेंट हेयर। डाइट भी आ गई यहाँ पे आपके लिए, पानी भी आ गया और आपके लिए हम ओके, आपके एंसेस्टर की तरफ रह गए मैसेज। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन,
ऑप्शन टू के एंसेस्टर्स उनको क्या गाइड करना चाहते हैं। आई एम सराउंडेड बाई लविंग एनिमल्स, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पे भी एनिमल्स ही हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है, लाइफ इज ए सीरीज ऑफ चॉइसेस, चूज लव। ओके, तो ऑप्शन टू आपके लिए जो सबसे पहली चीज मुझे समझ में आ रही है यहाँ पे जो भी कार्ड्स हैं आपके उनको देख के, कि फैमिली को लेकर थोड़े इमोशनल आप रह सकते हैं, या फैमिली के जो आपके रिलेशनशिप्स हैं आपके ब्रदर सिस्टर के साथ में, क्योंकि ब्रदर और सिस्टर का कार्ड है यहाँ पे, तो इनके साथ में आपका कोई सर्कल कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि ये कार्ड टेन ऑफ फायर का है जो कि बहुत ही हैवी एनर्जी की बात करता है, और ये कार्ड है वर्ल्ड का जो कि एक सर्कल के कंप्लीट होने की बात करता है। और जहाँ तक इस कार्ड की बात है, ये कार्ड भी बात करता है कि कोई नया रास्ता या कोई न्यू बिगनिंग आपके लिए किसी रिलेशनशिप में हो, तो ये आपके फ्रेंड्स और फैमिली के सर्कल के बारे में है। यहाँ पर भी कार्ड है आपके लिए ब्रदर और सिस्टर का, तो जिस तरह की कंजक्शन है आपके कार्ड में वो मुझे ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा या तो आप ओवरलोड हैं काम से, या फिर आप चीज़ों की वजह से, या फिर फैमिली को संभालने की वजह से, या फैमिली का बहुत प्रेशर है आपके ऊपर। तो एक सर्कल आपका अपने भाई बहनों के साथ में, आपके कज़न हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, आपके ब्रदर और सिस्टर के साथ में स्पेसिफिकली आपका एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है, चीज़ें खत्म हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा भार रहा है रिश्तों को लेकर, या फिर आपने लोगों की इतनी मदद की है और उस मदद को करने के चक्कर में आपके ऊपर बहुत भार आया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ कहीं ना कहीं आउट ऑफ बैलेंस रही थी, लेकिन इस मंथ में वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना आए, तो आपको अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ में, या फिर आपके जो भी कज़न हैं, या जो भी आप अपनी फैमिली में रिलेशनशिप समझते हैं कि उनको देखने की ज़रूरत है आपको, या फिर उनके साथ सर्कल को कंप्लीट करके क्लोज करने की ज़रूरत है, उसको कीजिए। और अगर कुछ सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ रिश्ते खत्म हो रहे हैं, डेफिनेटली ये टाइम ही ऐसा है जहाँ पर आपके सामने कुछ रियलिटीज़ आ रही होंगी अपने फैमिलीज़ की, और ये टाइम ऐसा ही है जहाँ पर फैमिलीज़ की रियलिटीज़ और अपने भाई बहनों की, अपनी अपने परिवार में जो चीज़ें चलती हैं, रिश्तेदारों की चीज़ों की, फ्रेंड सर्कल की, आपके कलीग्स की, आपकी कम्युनिटी की, ये सारी रियलिटीज़ बाहर आ रही हैं, सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं। तो ये टाइम पीरियड ऐसा ही है। तो अगर आप किसी चीज़ को हील करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, उसके ऊपर आपको बर्डन होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप किसी रिश्ते को सुधारना चाहते हैं बिल्कुल सुधारिए, लेकिन अगर आप किसी रिश्ते से बाहर निकल कर उस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो उस पोज से इस मंथ में बाहर निकलने का वक्त है। ये कार्ड कहता है टू मच वर्क, एक्सेप्ट हेल्प फ्रॉम अदर्स, लाइफ इज आउट ऑफ बैलेंस, स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ कंसर्न। तो ये तो कार्ड वैसे आपके करियर और फाइनेंसिस में थे, लेकिन जिस तरह का कंजक्शन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं जो कि आपके लिए हैं। तो धारणा का कार्ड है, धारणा का कार्ड कहता है कि आपको अपनी लाइफ में अपने करियर पर फोकस जरूर करना चाहिए। ये कार्ड आपके लिए वर्ल्ड का कार्ड है आपके करियर में, और ये कार्ड आपके लिए धारणा का कार्ड है आपके लिए आपके स्पिरिचुअल लर्निंग लेसन या एक्सपीरियंसेस में जो इस मंथ में आप लेने वाले हैं। तो आपको ये समझना जरूरी है कि आप अपने फोकस को भटका नहीं सकते, ना ही आप इतने ज़्यादा खुद को प्रेशराइज कर सकते हैं कि हर चीज़ का भार आप अपने कंधों पे अपनी कमर पे ले लें। तो जब आप हर चीज़ का भार अपने कंधों पे अपनी कमर पे ले लेते हैं, तो वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको बर्डन महसूस होता है उसका, और आप थक जाते हैं। तो यहाँ पर आपसे ये कहा गया है कि अपने कैरियर में आपको एक जॉय की एनर्जी के साथ काम करना है, आपके लिए एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है आपके कैरियर में भी, और आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी या नया रास्ता दिखाई दे सकता है जिससे कि आप एक रीस्टार्ट कर सकते हैं अपनी चीज़ों में। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है अवेकनिंग का, जो कि बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए। तो आप में से कुछ लोग जो कि बिजनेस करते हैं, आपको ये समझ में आएगा कि आपके साथ कोई धोखा हुआ है पास्ट के अंदर, या फिर आपके भाई बहनों में से किसी ने कोई धोखा किया है, या आपके रिश्तेदारों में किसी ने कोई धोखा किया है, फ्रेंड सर्कल में किसी ने कोई धोखा किया है। कहीं ना कहीं से धोखे की न्यूज़ आपको मिल सकती है, या फिर आपको ये एहसास हो सकता है कि आपके साथ क्या किया गया जो जब आपका ध्यान नहीं था, या फिर किसी ने किसी मामले में किसी एरिया में लाइफ के आपके साथ धोखा किया। पैसों का मामला हो सकता है, प्रॉपर्टी का मामला हो सकता है, रिलेशनशिप आपके इश्यूज हो सकते हैं, थर्ड पार्टी अफेयर हो सकता है, कुछ भी, लेकिन यहाँ ऐसा जहाँ पे धोखा दिया गया। तो ये आपके कज़न भी हो सकते हैं, आपके रियल ब्रदर और सिस्टर भी हो सकते हैं, जिनको आप भाई बहन की तरह मानते हैं वो भी हो सकते हैं। तो आपसे कहा गया है यहाँ पे कि आपके लिए चीज़ें इसलिए धीरे धीरे बदल रही हैं, या फिर उनको धीरे धीरे बदलना होगा आपको, जब आपको ये समझ में आएगा कि आपके लिए चीज़ें बदलना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपने फोकस को एक जगह पे रख सकें। आपका ध्यान शायद बहुत भटका हुआ रहता है, आपको उसको एक जगह लाने की ज़रूरत है, और आपको सिंगल फोकस रखने की ज़रूरत है, यानी कि जिस काम पे भी आप, जिस कामों को भी आप करना चाहते हैं उस पर आपका ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप एक काम कर रहे हैं और चार जगह पे आप बटे हुए हैं, तो उस एक जगह पर भी जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है उस जगह पर भी आप ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो इस मंथ के लिए आपको ये सजेस्ट किया गया है डिवाइन के द्वारा
कि आपको डेफिनेटली यहाँ पर अगर अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों को कंप्लीट करना है, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड कंप्लीशन की बात करते हैं, आपके लिए सिंगल फोकस्ड एनर्जी के साथ में काम करना या अपने कैरियर और फाइनेंसिस के ऊपर ध्यान देना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि हर एक भाई बहन आपको धोखा दे रहा है, हर कज़न आपको धोखा दे रहा है, हर रिश्तेदार, हर फ्रेंड्स आपको धोखा दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा है जहाँ पे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो चीज़ें नहीं हो रही। कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली धोखा ही है, लेकिन कुछ लोगों के लिए धोखा नहीं है। उनको जो सपोर्ट अपनी फैमिली से चाहिए, अपनी पढ़ाई में, अपने कैरियर में, अपने फाइनेंसिस में, अपनी लाइफ में, प्रॉपर्टी में, उनको वो नहीं मिल रहा, या फिर इस महीने उनको लग सकता है कि उनको वो चीज़ें नहीं मिल रही हैं। तो अगर आपको चाहिए कि आप उनको माफ़ करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बढ़िए, क्योंकि ये कार्ड भी कहता है टू गेट अलॉन्ग विद अदर, सी द लव एंड द बेस्ट विद इन देम। तो किसी के साथ अगर आप इस मंथ में आगे बढ़ना चाहते हैं सारे रिश्तों में, तो आपको उनको लव की जगह से ही देखना होगा। यहाँ पर भी आपसे यही कहा गया है कि लाइफ इज सीरीज ऑफ चॉइसिस, चूज लव। आपको लव को चूज करना चाहिए, या आप चूज करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप बेशक, हो सकता है इस मंथ में आपको ये लगे कि आप बहुत अकेले हैं, या फिर सारा बोझ आपके ऊपर डाल दिया गया है या डाला जा रहा है, लेकिन ये आपकी गलती नहीं है। ये कहीं ना कहीं आपके लिए जो सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं या जो लर्निंग लेसन आपको मिल रहे हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ में, ये उसी का हिस्सा है। इसलिए अगर आप इस चीज़ को समझ पाएंगे तो आप शांति से सारे टाइम पीरियड को निकाल भी पाएंगे। तो आपके लिए कोई इतना परेशानी वाला वक्त नहीं है। थोड़ा सा आपको फाइनेंशियली अप एंड डाउन लग सकता है, लेकिन वो चीज़ें भी इसलिए ही आपके लिए होंगी क्योंकि आपको यहाँ पे एक लर्निंग लेसन कंप्लीट करना है। जैसे ही आप उस चीज़ को समझ जाएंगे इस मंथ में, वैसे ही आपके लिए एक न्यू बिगनिंग इसी मंथ में आप देखेंगे, क्योंकि ये 10 का कार्ड है, सर्कल कंप्लीट होने का कार्ड है। चीज़ें खत्म होंगी जो कि आपके लिए भारी हैं, और वो चीज़ें स्टार्ट होंगी जो कि आपको एक नई दिशा दे सकती हैं। 10 ऑफ फायर के बाद में डेफिनेटली 1 का नंबर आता है, तो आपके लिए 1 की एनर्जीज हैं, एस ऑफ वांड्स की एनर्जीज हैं, एंडिंग और बिगनिंग है, और ये आपके लिए अच्छा ही है। पेनफुल साइकिल आपका एंड हो रहा है, और जो भी अच्छा है वो आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है, वेरी सून हो रहा है, क्योंकि ये कार्ड आपको यही कहता है कि चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी देंगी। और ये कार्ड भी यही कह रहा है कि क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। तो आप क्या चाहते हैं? आप किसी रिश्ते को चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं? अगेन, अगर आप किसी भी रिश्ते को इस मंथ में चांस देना चाहते हैं, फ्रेंड्स हैं, आपके कजन्स हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, जो भी है आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, जो जिनको भी आप चांस देना चाहते हैं, तो क्या आप किसी रिलेशनशिप को चांस देना चाहते हैं? लेकिन ये पहले आपको जानना, समझना और अपने माइंड में इस मंथ में क्लियर करना होगा कि आप एक्चुअली चाहते क्या हैं। तो अगर आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि आप चाहते क्या हैं, तो वही चीज़ें आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होंगी और आपको कहीं ना कहीं एक सेटिस्फेक्शन देंगी, जिससे कि आप अपने पाथ पे आगे बढ़ पाएंगे। ये कार्ड आपसे यही कहता है कि आपको आगे बढ़ना है। अगर आप ये चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, तो अपनी आईज को क्लोज कीजिए और अंधेरे में भी आगे बढ़ना सीखिए। ये कार्ड ये भी कहता है आपसे कि आप जो ईश्वर है उसको मौका दीजिए, हेवन को मौका दीजिए, ताकि आपको जो भी वंडरफुल गाइडेंस मिल रही है आपकी लाइफ के लिए वो आपको मिल सके, आप उससे उसको लेकर आगे की तरफ बढ़ सके। साथ ही साथ आप कह सकते हैं ये प्रेयर, ओपन अ न्यू रोड टू मी टूडे, यानी कि आज के दिन मेरे लिए एक नया रास्ता खुला जाए। आप इस अफर्मेशन को, इस प्रेयर को दोहरा सकते हैं और अनएक्सपेक्टेड को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो भी होगा वो आपके लिए अच्छा होगा। When it appears, accept the gift. जब आपके लिए कुछ अपीयर होगी तो उसे एज ए गिफ्ट यूनिवर्स की तरह से समझ के ले लीजिएगा। अभी वैसे मैंने आपके लिए इस वाले डेक में से कार्ड लिया नहीं है, अभी मैं लूंगी, लेकिन ये कार्ड भी स्टिलनेस की बात करता है। मेक ए स्पेस फॉर काम एंड क्वाइट इन योर डे, टर्न ऑफ योर फोन, अलाउ द वर्ल्ड टू रश ऑन पास्ट अननोटिस फॉर अ वाइल एंड डिप योर सोल इन टू पीसफुल वाटर। और यहाँ पर ही जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है, ये कार्ड भी आपके स्टैंड स्टिल होने की बात करता है, यानी कि एक जगह रुके होने की बात करता है। तो किसी जगह से आपको पुश लगेगा इस मंथ में, जहाँ से भी आप अपने आप को रुका हुआ पाते हैं, जिस भी एरिया में, उस जगह से आप आगे खुद को बढ़ता हुआ देखेंगे। लेकिन आपका फोकस कहाँ है वो आपको देखना होगा। आपको ये क्लियरली डिसाइड करना होगा इस मंथ में कि आप अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपने कैरियर, अपने फाइनेंसिस को लेकर आप चाहते क्या हैं, आपकी चाहत क्या है, और आप किस तरह से कहाँ पर एनर्जी लगा रहे हैं। आपकी एनर्जी जहाँ जा रही है वहीं पर वही चीज़ें आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगी, इसलिए सोच समझ कर ही एनर्जीज को लगाना है। जब रिश्ते खराब होते हैं ना, तो आपको खुद के ऊपर हार्श नहीं होना है। इसलिए आपसे ऑलरेडी एंसेस्टर्स के कार्ड में ये कहा गया है, लाइफ इज ए सीरीज ऑफ चॉइसेस, चूज लव। तो लाइफ के अंदर जो भी हमारे होता है वो आपको चूज करना होता है, जो भी आप चॉइसेस करते हैं वही आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, आपके ब्रदर सिस्टर ने, किसी कजन ने, किसी फ्रेंड ने, माता पिता ने, दोस्तों ने, कम्युनिटी ने, तो आप खुद को तो गालियां नहीं दे सकते कि आप खुद को ही कोसते रहें, खुद को ही डिग्रेड करते रहें। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं चलता,
ऐसे नहीं, ऐसे जिया भी नहीं जाता। ये बहुत ही गलत तरीका है अगर आप अपने आप को गिल्ट वाली एनर्जी में ले जाते हैं। बच के रहिए और हमेशा ये याद रखिए कि आपकी लाइफ में आपके हाथ में ही है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। लाइफ की चॉइसेस आपके अपने हाथ में ही हैं। आप अच्छा चुनना चाहते हैं, अपने लिए बुरा चुनना चाहते हैं, खुद को गालियाँ देना चाहते हैं, खुद को अच्छा बोलना चाहते हैं, सब कुछ आपके अपने ही हाथ में है। आपके सिस्टर की तरफ से यहाँ पे मैसेज है, आई एम सराउंडेड बाई लविंग एनिमल्स। तो एनिमल स्प्रिट वर्ड आपको इस वक्त सपोर्ट कर सकता है। और वैसे यहाँ पे ये जो दोनों ही डॉग हैं बहुत ही एक जैसे हैं, अगर आप देखें तो कितने सिमिलर हैं यहाँ पे। तो आपका भी कनेक्शन अच्छा हो सकता है एनिमल स्प्रिट वर्ड से, या फिर आपका कोई पेट हो उसके साथ आपका कोई कनेक्शन अच्छा हो सकता है, या वो आपको गाइड कर रहे हैं, या जो आपके पेट आपको छोड़ के गए हैं उनके साथ आपके जो एंसेस्टर हैं वो हैं, और आपके पेट भी ठीक हैं और आपके एंसेस्टर भी आपके साथ में ही हैं। अनकंडीशनल जॉय का यहाँ पर मैसेज है, डियर आर्चेंजल राफेल, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी राइट नाउ। अपने आप को खुश करने की एनर्जी से आपको ये क्लियरली डिसाइड करना होगा कि आपकी खुशी आपकी जिम्मेवारी है, आपको कोई नहीं हंसा सकता। लोग हमें बोझ देते हैं और देते ही रहते हैं। हमारी खुशियाँ हमारी जिम्मेदारी होती हैं। अगर आप ये सोचें ये इंसान मुझे आके खुश करेगा, इस चीज़ से मैं खुश हो जाऊंगा, इन पैसों से मैं खुश हो जाऊंगा, ये हो जाऊंगी, वो नहीं होगा, वो कभी भी नहीं होगा। पैसों के साथ, इंसान के साथ, चीज़ों के साथ जब भी आप अपनी खुशियाँ जोड़ते हैं वो चली जाती हैं, वो नहीं रहती। इसलिए अगर आपको अपने जीवन में जीवन को जीना है, खुश रहना है, अनकंडीशनल जॉय की एनर्जी में रहिए। किसी चीज़ के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी सामान के साथ, किसी जगह के साथ, किसी सिचुएशन के साथ अपनी खुशियों को आप नहीं बांधिए। जो आ रहा है वो बहुत अच्छा है, जो जा रहा है वो उससे भी अच्छा है। आने और जाने वाले को आप ना रोक सकते हैं, चाहे वो दुनिया से जाए चाहे वो जीवन से जाए। इसलिए अपने आप को बोझों तले दबाने के बजाय आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की ही सोचनी चाहिए। बाकी अपनी सिचुएशन देखिए, डिसीजन लीजिएगा और पानी पीते रहिएगा ताकि आपके इमोशन अच्छे से फ्लो कर सकें। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए और टैरो कार्ड से क्या मैसेजेस आते हैं। देखते हैं टैरो कार्ड आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं इस मंथ के लिए, आपको क्या जानने की जरूरत है। आपको लैक वाली मेंटेलिटी से बाहर निकलना होगा, कुर्बानी वाली मेंटेलिटी से बाहर निकलना होगा। उन सब का वक्त जा चुका है कि आप लैक वाली मेंटेलिटी में हैं, कि कुछ है नहीं जीवन में। जिनके पास कुछ है नहीं जीवन में, क्या वो जीना छोड़ देते हैं? ऐसा नहीं होता। अगेन ये कार्ड चॉइसिस का ही है, आपको चूज करना होगा कि आप क्या चाहते हैं। ये आपको जानने की जरूरत है, इसलिए ये ऑप्शन आपके पास में आया है। थैंक यू सो वेरी मच। ये कार्ड लेंगे नहीं पर देख लेते हैं, फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो आपको क्या करने की जरूरत है इस मंथ में? थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन टू को क्या करने की जरूरत है इस मंथ में? थैंक यू सो वेरी मच आपके गाइडेंस के लिए। ओके, बर्ड का कार्ड है और है नाइन ऑफ पेंटिकल्स का, इसे ले नहीं रहे हैं कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। फाइव ऑफ पेंटाकल का कार्ड है, मेंटेलिटी के अंदर लैग की बात करता है, कमी की। जब आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ भी नहीं है, जबकि की आपके पास ही होती है। देखते हैं आपको इस मंथ में क्या रिलीज करने की जरूरत है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन टू को क्या रिलीज करने की जरूरत है इस मंथ में? वैसे बहुत कुछ कम्प्लीट हो रहा है आपका इस मंथ में, इसलिए आपने शायद अपनी लाइफ में बहुत लोगों को अपने आपसे दूर जाते हुए देखा है। नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली द व्हील ऑफ फॉर्चून। यहाँ पे आपके लिए सर्कल कंप्लीट हो रहा है, कर्मा का कार्ड है ये। जो भी अच्छे कर्म है आपके, वहां पे आपको रिजल्ट मिलेगा। आपने बहुत अच्छा किया है लोगों के साथ में। देखिए ये बातें ना उन लोगों के लिए ही हैं जिन्होंने अच्छा किया है। अगर आपने किसी को कोई नुकसान पहुंचाया है, किसी को कोई स्पेल वर्क किया है, किसी को कोई किसी के बिल को बाइंड करने की कोशिश की गई है, किसी को छीनने की कोशिश की है, ये बातें उन लोगों के लिए नहीं है ना। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। अब बुरा लगे आपको तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि देखिए ये कार्मिक कार्ड है। अगर आपके कर्मास में, ये द वर्ड का कार्ड भी कार्मिक कार्ड है, अगर आपके कर्मास में लोगों का बुरा करना है, उनको बुरा बोलना है, उनके लिए उनको कोसना है, उनकी अच्छाई देखकर उनसे वो चीज़ें छीनने का आपके मन में आता है, डेफिनेटली फिर ये कार्ड आपके लिए कैसे मैनिफेस्ट हो सकते हैं? आप जब दूसरों से छीनने की प्रवृत्ति ही रखेंगे तो आप अपने लिए क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं? लैक वाली मेंटेलिटी है ना। तो ये बात उन लोगों के लिए है जो ऐसा कर रहे हैं। थ्री ऑफ कॉइंस, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए मून का कार्ड। बिल्कुल आपके लिए कोई ना कोई पास जो है इल्यूमिनेट होगा। आपके सामने सीक्रेट्स भी आए हैं, नहीं आए हैं तो आपके सामने कुछ सीक्रेट्स इस मंथ में आएंगे, जिससे आपको अपनी चॉइसेस करने में आसानी होगी। आपके साथ में लोगों ने बहुत बुरा किया है, जो मैं आप समझ पा रही हूँ इन कार्ड्स के द्वारा।
आपको ट्रैप करके रखने की कोशिश की गई है, आपके अंदर ये चीजें डाली गई हैं। तो आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि आप किसी भी चीज में ट्रैप नहीं है, आपको अपनी चॉइसेस करनी है, आपको उन चीजों को खत्म करना है जिन चीजों ने आपको बांध के रखा है या जो चीजें आपके माइंड में ये लैक वाली एनर्जीज को लेकर जाती हैं। फोर ऑफ कॉइन्स का कार्ड भी आपको लैक वाली बात करता है कि इतना ही है, इसे बचा के रखना है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी वही बात करता है। तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको ऐसी चीजों से फ्री होने की जरूरत है जहां पर आपको बांध के रखा जाता है या फिर आपको ये कहा जाता है कि इतना ही होता है। आपके लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि आप अपने हीरो खुद हैं, आपको कोई बचाने नहीं आएगा, आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटीज खुद क्रिएट करनी होंगी, ये बात बहुत क्लियर है। और आपको अपनी चीजों को फेस करना होगा, यानी कि अगर आप अपनी दुनिया को बदलना चाहते हैं तो उसका पहला कदम, फर्स्ट स्टेप आपको खुद ही लेना होगा, चाहे वो आप किसी भी तरह से लें। कोई मैसेज, कोई ईमेल, कोई फोन कॉल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वैसे ये मैसेज का कार्ड है। तो यहाँ पर आपको इस चीज को समझना जरूरी है कि आप इस मेंटेलिटी के साथ में नहीं रह सकते कि आप, आपके लिए कुछ नहीं है, यही रिश्ते हैं, यही लोग हैं, आपके लिए जॉब है, यही पढ़ाई है। यहाँ पर आपको अपनी सिचुएशन में सब कुछ पता है कि कहाँ आपको कैसे करना है, बस आपको चूज करना है कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। थोड़ा सा डिप्रेसिव रह सकते हैं इस मंथ में आप, आपको लगेगा कि दुनिया में क्या चीजें आपके साथ हो रही हैं, दुनिया पूरी आपकी खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसी है जैसे कोई आपको ट्रैप रखना चाहता है, स्पेसिफिकली आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन के अंदर आपको ट्रैप रखना चाहता है, आपको बोझ दे रहा है, या फिर आपके लिए कोई कंपटीशन का कारण बन रहा है, या फिर आपको कोई परेशान कर रहा है फाइनेंशियली, या फिर आपके ये कोई बॉस हो सकते हैं जो कि पैसों के लिए आपको परेशान कर रहे हैं, कोई बिजनेस ओनर हो सकते हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं या करना चाहते हैं या कर ही रहे हैं, क्योंकि यहाँ जिस तरह के कार्ड्स आए हैं ये क्लियरली इस बात को कह रहे हैं कि आप ऐसी चीज या ऐसी सिचुएशन में अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हैं या करेंगे इस मंथ में, जिसमें से आपको लगेगा कि निकलना बहुत मुश्किल है। पर ऐसा नहीं है, ये एक इल्यूजन है। आपको अपनी चॉइसेस को देखना है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। मुझे इस टू ऑफ सोर्ड के अंदर कभी भी इस लड़की की आंखें बंद नहीं दिखाई देती, मुझे हमेशा ये दिखाई देता है कि जो ये क्रो हैं, कौवे हैं, इसकी इस पट्टी को खोल रहे हैं। और ये अक्सर आपको पता है हिंदुओं के अंदर ये एंसेस्टर्स की एनर्जीज को भी बताते हैं, पूर्वजों की बात भी करते हैं, हमारे पितरों की बात करते हैं। तो आपके पितर कह लीजिए आपको रास्ता दिखा रहे हैं या ऑलरेडी दिखा चुके हैं, मुझे लगता है पास्ट की एनर्जीज हैं ये। तो आपके लिए न्यू रोड ओपन है और यहाँ पर आपसे ही कहा गया है विश्वास रखिए, ओपन अ न्यू रोड टू मी टुडे। तो अपने लिए नए रास्तों को खोलने के लिए आप ईश्वर से प्रेयर कीजिए। अगर आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत ही बोझ महसूस होता है या आपको लगता है कि आपको ऐसी सिचुएशन में ट्रैप किया जा रहा है लोगों के द्वारा जो कि आपके लिए नहीं है, तो वहां से बाहर निकलने का इस महीने में आपके लिए पूरा पूरा अवसर है, आपको बाहर निकलना चाहिए। अब ये पूरा पूरा अवसर आपके पास आज भी है, ये कल भी है, ये आगे भी रहेगा, अगले मंथ भी रहेगा। टू ऑफ सोर्ड का कार्ड आपकी चॉइस की बात करता है, जब आपको रियलिटीज को फेस करना होता है, उनको एक्सेप्ट करना होता है और उनको देखकर आगे बढ़ना होता है। कंपटीशन रह सकता है इस मंथ में आपके लिए और ये है थ्री ऑफ कॉइन्स का कार्ड। तो ये कार्ड आपसे ये कहता है कि आप अपने कामों को करिए, जिन भी कामों को आप करना चाहते हैं उनको कीजिए। खासतौर से अगर आप खुद एक बिजनेस ऑनर हैं या फिर आप किसी बिजनेस को चलाते हैं, संभालते हैं, अपने कामों को खुश दिल के साथ कीजिए, चाहे उसका रिजल्ट कोई सा भी आपको मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, अपने कामों को खुशी के साथ आप करते रहेंगे और अपने आप के लिए आप स्टैंड लेंगे तो आप बहुत सारी चीजों से बाहर निकल जाएंगे। खुद को प्रोटेक्ट करने का मंथ है ये वाला आपके लिए, ताकि आप सही तरीके से आगे बढ़ सकें और आपके लिए जो भी चीजें आप चाहते हैं उनको आप पा सकें। ओपन अ न्यू रोड, ये कार्ड आपके लिए अफर्मेशन बहुत काम की रहेगी। ओपन अ न्यू रोड टू मी टूडे, आपके लिए एक नया रास्ता खोला जाए। आप डेली भी पढ़ सकते हैं, इससे आपको हेल्प मिलेगी। ओवरऑल फाइनेंशियल सिचुएशन को लेकर ही आप थोड़े बर्डन महसूस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ फाइनेंसिस में भी टेन ऑफ फायर का कार्ड है आपके लिए। तो टेन ऑफ फायर का कार्ड डेफिनेटली एक बोझ की बात करता है, जब आप बहुत ही टायर्ड हो जाते हैं किसी ना किसी बोझ की वजह से, और ये कार्ड आपके फाइनेंसिस में है। तो डेफिनेटली यहाँ भी जिस तरह के कार्ड हैं ये फाइनेंसिस की बात करते हैं, पर आपको आपकी सिचुएशन पता है और आपको पता है कि आपको कैसे डील करना है, इसलिए आपके लिए अच्छा यही है कि क्लियर चॉइसेस अपनी करें। अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विद यू, वी आर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, और यहाँ पर भी आपसे कहा गया है वी आर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, चूज लव, आपसे यहाँ पे भी यही बोला गया है। ओके, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए हायर लर्निंग का, यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडी इज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस। तो आप बहुत कुछ सीख चुके हैं, दुनिया ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, रिश्तों ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है, अब आपके लिए कुछ और एक्सपीरियंसिस लर्निंग लेसन लेने का वक्त है, जिससे कि आप अपने करियर को, अपनी लाइफ को एक अच्छी दिशा दे सकें। तो कोई कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इस मंथ में, या आपके मन में आ सकता है कि आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है। इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। तो आपके लिए कहीं ना कहीं
आपको एक्शन ओरिएंटेड रहना होगा। ऑप्शन वन के लिए भी ऐसी एनर्जीज थी, एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे तो ही आप अपने लिए कुछ चीज़ों को कर पाएंगे। एक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटे काम में रहें, कहने का मतलब ये है कि आपको क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें छोड़नी है, कैसे आगे बढ़ना है, उन चीज़ों की तरफ ध्यान आपको देना चाहिए। यहाँ कार्ड है सोल फ्लेम का, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ एक्सपीरियंसिंग रिलेशनशिप हार्मोनी एंड हीलिंग। तो आप जिसके साथ रिश्ता अच्छा रखना चाहते हैं बिल्कुल रखिए, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर अपने आप को ढूंढने का या अपनी पहचान को ढूंढने का इस मंथ में आपके लिए वक्त है। खुद को अगर आपने खो दिया है इन्हीं भागदौड़ के अंदर, तकलीफों के अंदर, तो खुद के बारे में सोचने का वक्त है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चूज करना चाहते हैं। डेफिनेटली ये अपने लोगों को छोड़ने के बारे में नहीं है, पर जो लोग छोड़ना चाहते हैं या फिर छोड़ रहे हैं उनको गिल्ट भी लेने की जरूरत नहीं है। लाइफ में बहुत कुछ चेंज हो रहा है इस टाइम यूनिवर्सल एनर्जीज में, तो आपकी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि आप क्या चूज कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। टैरो कार्ड के आधार पर आप अपनी लाइफ को लेकर कोई बहुत बड़ा डिसीजन नहीं लीजिएगा। आप क्या करना है क्या नहीं, ये आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करता है और हर एक की पर्सनल सिचुएशन अलग होती है। इंस्पिरेशन, इंसाइट एंड इंस्पिरेशन कैन फ्लो इन व्हेन वी रिलैक्स एंड अलाउ अ प्लेफुल अनहर्ड फ्रेम ऑफ माइंड, द बेस्ट आइडियाज कम नेचुरली। अनकंडीशनल जॉय का आपके लिए कार्ड ऑलरेडी है, तो अपने माइंड को रिलैक्स रखते हुए आपको आगे बढ़ना है ताकि आप सही तरीके से सही बातों को सोच सकें। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। स्टे क्यूरियस, व्हेन न्यू इंटरेस्ट टॉपिक्स और प्लेसेस draw you, go explore them. Your natural curiosity about a subject may signal that this is the right time to expand your mind and your life. आप अगर किसी एक ही काम को करते हैं, एक ही करियर में आपकी दिलचस्पी है, तो आप कुछ और भी कर सकते हैं। इस मंथ में आपको वो अपॉर्चुनिटी या आइडिया मिल सकता है। ये कार्ड भी कहता है द बेस्ट आइडियाज कम नेचुरली, और ये कार्ड भी आपसे ये कहता है जिस चीज में आपकी क्यूरियोसिटी हो, किसी चीज को आप समझना चाहते हैं गहराई से, आप कर सकते हैं। मे बी आप किसी ऐसी जॉब में, ऐसी किसी सिचुएशन में, ऐसी फाइनेंसिस की जगह पे हो सकते हैं इस मंथ में, या आप चल रहे हैं जहां पर आप खुल के कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अब आपके लिए वक्त है कि आप अपने काम को तो करते ही रहें, लेकिन कहीं ना कहीं कैरियर चेंज करने की भी सोचें, उससे भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। लेकिन अगेन अपनी सिचुएशन को देखते हुए ही आपको डिसीजन लेना है, क्योंकि कोई ना कोई पाथ तो आप क्रॉस करने वाले ही हैं। मून का कार्ड आपके लिए बहुत सारी चीजों की रोशनी में आने की बात कर रहा है, जो कि आते ही आपके लिए बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपका पाथ आपके लिए क्लियर हो जाएगा। वेंडर इन द मिस्ट्री ऑफ लाइफ एंड वंडर एट इट, डू इट रेगुलरली, योर सोल नीड्स शूटिंग स्टार नॉट नियॉन लाइट्स। तो आर्टिफिशियल एनर्जीज में रहने की जगह, या खुद को आर्टिफिशियल एनर्जीज में रखने की जगह, या खुद को धोखा देने की जगह, आपको अपनी रियलिटीज को फेस करने की जरूरत है, अपनी चॉइसेस को देखने की जरूरत है। इस मंथ में आप क्या चॉइसेस बना रहे हैं अपनी लाइफ में, आप जितना ज्यादा नेचर के साथ कनेक्ट रहेंगे, एनिमल्स के साथ कनेक्ट रहेंगे इस मंथ में, आपको अच्छे अच्छे आइडियाज, अच्छे अच्छे डिसीजन लेने में आसानी होगी। अपने खाने पीने का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पे कहता है डाइट इज इम्पॉर्टेंट हियर, ऑलरेडी हाइड्रेशन का कार्ड है, पानी पीते रहिएगा अपनी सेहत को देखते हुए, उससे आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, गाइडेंस मिलती रहेगी और आपकी लाइफ में फ्लो होता रहेगा। तो होप कि आपके लिए मैसेजेस काम के रहे, नवंबर मंथ आपके लिए बहुत ही शुभ रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो, आपका आने वाला मंथ बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपको यूनिवर्स यहाँ पे क्या गाइड करना चाहता है, क्या मैसेजेस हैं आपके लिए नवंबर मंथ के लिए। तो आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है, ये कार्ड है माँ सरस्वती का, और बाहर लाउडस्पीकर चल रहा है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, आपको डिस्टर्बेंस अगर महसूस हो रही हो तो। तो यहाँ पे कार्ड है माँ सरस्वती का, और ये कार्ड डेफिनेटली क्रिएटिविटी की बात करता है आपके लिए। ये कार्ड है शेयर का, व्हेन यू शेयर एवरीवन फील्स हैप्पी, तो अपनी क्रिएटिविटी को आप शेयर कर सकते हैं, माँ सरस्वती से उनका आशीर्वाद मांग सकते हैं क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, कुछ ऐसे आइडियाज पे काम कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी कम हो गई है, जो आपको इंस्पायर कर सके, आपको इंस्पिरेशन दे सके, लेट गो ऑफ स्ट्रेस, तो डोंट टेक ऑन अदर पीपल स्ट्रेस, ब्रीथ इट आउट नाउ। आपको किसी भी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने से तो कोई भी काम नहीं होता है, इसलिए आपको बिना स्ट्रेस लिए ही आगे बढ़ना है। तो देखते हैं कि आपकी लाइफ के एरियाज में, अदर एरियाज में क्या मैसेजेस हैं। तो ये कार्ड हम ले रहे हैं आपके करियर और फाइनेंसिस में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपके गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ये कार्ड है आपके कैरियर में, ये कार्ड है किंग ऑफ फायर का, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ये कार्ड है एरिस डियर सेजिटेरियस का। ये आपकी क्रिएटिविटी की बात ही करता है, आपकी क्रिएटिविटी की चरम सीमा पे होने की बात करता है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन 3 को आप उनके कैरियर के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, आप ऑप्शन 3 को उनके फाइनेंसिस के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं, किंग ऑफ एयर, और क्या चाहिए
एट ऑफ फायर बहुत ही अच्छे कार्ड हैं, एक्चुअली बहुत बढ़िया कार्ड आए हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आपके अदर रिलेशनशिप, आपकी लव रिलेशनशिप के बारे में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन, आपके गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 3 के लव रिलेशनशिप के बारे में। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है कोडिपेंडेंसी का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक कार्ड है आपके लिए चिल्ड्रन का, योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो सकते हैं जिसमें हो सकता है आप ना रहना चाहते हो, लेकिन आपको बच्चों की वजह से कुर्बानी देनी पड़ रही हो, आई थिंक ऐसा ही है, या फिर आप उस रिश्ते में खुश नहीं है। ये जो कार्ड है ये हम देख रहे हैं आपकी फैमिली लाइफ के बारे में, या फिर आपकी जो अदर रिलेशनशिप है लोगों के साथ में उनके बारे में। ओके, दो कार्ड आए हैं तो दो ही लेंगे। ये कार्ड है आपके एंसेस्टर की तरफ से मैसेज, क्या मैसेजेस हैं ऑप्शन 3 के लिए मंथ के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, नाउ आई हैव नो पेन। ओके, देर इज नो टाइम वेयर आई एम, टाइम इज ऑनली ऑन द अर्थ। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए डोंट बी एफ्रेड। आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना है शायद अपनी लाइफ के लिए, लेकिन आप बहुत घबरा रहे हैं, आपको डर है किसी चीज़ के खोने का या फिर सामाजिक रूप से शायद कुछ होने का। तो मुझे लगता है आपकी ये जो सोच है आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो आपको कुछ स्टेबिलिटी की जगह से डिसीजन लेने चाहिए, ताकि अगर कुछ होता भी है तो आपको पता हो कि एक्चुअली आपको करना क्या है। ये कार्ड है आर्कएंजल राफेल की तरफ से। ओके, वैसे यहाँ सनलाइट की बात कह रहे हैं आर्कएंजल राफेल, पर इस कार्ड को हम लेंगे नहीं। डियर आर्कएंजल राफेल, प्लीज़ हेल्प मी इन्जॉय द बेनिफिट्स ऑफ सनशाइन इन सेफ एंड हेल्दी वेज। तो अपने आप को बिना नुकसान पहुँचाए आपको थोड़ी सी सनशाइन की ज़रूरत है। ये आपकी लाइफ के बारे में भी है कि आपको थोड़ी सी लाइफ में सनलाइट को देखने की ज़रूरत है, यानी कि रोशनी में चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। हर चीज़ को लेकर डिप्रेसिव होना, हर चीज़ में सबसे पहले डिप्रेसिव थॉट रखना अच्छी बात नहीं है, अवॉइड डिलिजेंस। ओके, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है चेन फिजिशियन। तो आपकी अगर सेहत में कुछ परेशानी है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं, फिजिशियन को चेंज कर सकते हैं, अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, लेकिन ये सब तभी कीजिएगा जब आपको कोई प्रोफेशनल पर्सन एक्सपर्ट एडवाइस दे। टैरो कार्ड रीडर्स इसके लिए एक्सपर्टाइज नहीं रखते हैं, ये सिर्फ एक गाइडेंस है, इसको गाइडेंस की तरह लीजिएगा। रियल लाइफ में आपको वही डिसीजंस लेने हैं जो कि आपको प्रोफेशनल आपको एडवाइस करते हैं, डॉक्टर्स या जो भी आपके प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हैं। ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो माँ सरस्वती का कार्ड है आपके कैरियर के अंदर, मुझे कैरियर हो या आपकी पढ़ाई हो, बहुत ही अच्छा समय दिखाई दे रहा है जहाँ पर आप कुछ क्रिएटिविटी के साथ कर सकते हैं। किंग के कार्ड हैं दोनों, तो आप बहुत ही बॉसी एनर्जी में रहेंगे, इनकी बॉस की तरह रहेंगे, बिजनेस ओनर आप हो सकते हैं, मेल हो या फीमेल इससे कोई मैटर नहीं करता। हो सकता है आप कोई हाउस वाइफ हो लेकिन घर से ही कामों को संभालती हूँ, लेकिन ये जो कुछ भी है ये आपकी क्रिएटिविटी को और बढ़ाने की बात करता है इस मंथ में। और साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने कामों को और भी ज़्यादा उत्साह के साथ कीजिए, जिन चीज़ों को आप जानते हैं उनको करते रहिए। एक जगह खड़े रहने से, ज़्यादा सोचने से काम नहीं होगा, अपने आप को पीसफुल एनर्जी में आपको लेके जाना होगा, और साथ ही साथ आपको अपने कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए खुद को मोटिवेट करना होगा, अपने एम्बिशंस को बनाना होगा, और प्रोफेशनली आपको अप्रोच करनी होगी अपने कैरियर और फाइनेंसिस में। कोई पर्सन भी आपकी मदद कर सकता है, और मुझे लगता है अपने कैरियर को लेकर उत्साही रहेंगे और अपने फाइनेंसिस को लेकर आप अच्छे और वाइज डिसीजन लेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप ये याद रखिएगा कि आपको बहुत ज़्यादा लोगों पर डिपेंडेंट नहीं होना है। अगर आप बहुत ज़्यादा लोगों पर डिपेंडेंट होंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको परेशानी होगी, आपको बहुत ज़्यादा जो डिसीजन हैं वो सेल्फ सेंटर्ड होकर लेने हैं, यानी कि आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि आप वो डिसीजन लेने के लिए कैपेबल हैं। किंग की एनर्जी में आप रहेंगे, आप मेल हैं या फीमेल ये मैटर नहीं करता, अगर आप फीमेल भी हैं तो एक मस्कुलिन एनर्जीज हैं आपकी, हाई रहेंगी अपने फाइनेंसिस और कैरियर के अंदर, आप अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, बिल्कुल लीजिएगा, लीड कीजिएगा सिचुएशन को और प्रोफेशनल काम कीजिएगा और बहुत अच्छे से आगे बढ़िएगा। ये कार्ड आपसे कहता है फोकस फोकस फोकस, कम्युनिकेट विद विजन एंड बी अ लीडर, एडवाइस फ्रॉम समवन क्रिएटिव। किससे एडवाइस ले सकते हैं, किसी को एडवाइस दे सकते हैं, लीडरशिप में आप काम कर सकते हैं। और ये कार्ड आपसे कहता है स्पीक योर माइंड विद कॉन्फिडेंस, सीक आउट प्रोफेशनल एडवाइस, बैलेंस मेंटल एंड इमोशनल कंसिडरेशन। तो आपके लिए जरूरी है कि आप बैलेंस बनाते हुए चलें अपने एक्शन अपने थॉट्स के अंदर, क्योंकि एयर का कार्ड थॉट्स को रिप्रेजेंट करता है, फायर का कार्ड एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ कार्ड है शेयरिंग का, तो डेफिनेटली आपसे कहा जा रहा है अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाते हुए इसमें एक्शन लीजिए, अपने लिए डिसीजंस लीजिए और आगे बढ़िए। आपके लिए कैरियर के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से, फाइनेंसिस के हिसाब से ये मंथ बहुत ही अच्छा है। आप अच्छे डिसीजन, अच्छी इन्वेस्टमेंट, अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस मंथ में पा सकते हैं। सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा, क्योंकि लीड आपने करना है सिचुएशन को। अब आप सिचुएशन को लीड कर रहे हैं या सिचुएशन आपको लीड कर रही है, इन दोनों में अंतर हो जाएगा, इसलिए आपको देखना होगा कि आप क्या कर रहे हैं।
कोडिपेंडेंसी का कार्ड है, एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, और यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक कार्ड था चिल्ड्रन का। मुझे लगता है आप किसी को पसंद करते हैं, मे बी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपका हो सकता है, या फिर आप किसी ऐसे इंसान को पसंद करते हैं जिसको आप शादी में रहकर भी पसंद करते हैं, या फिर आपका कोई एक्स है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा उसको सोच रहे हैं जिसकी वजह से आपकी जो फैमिली लाइफ है वो कहीं ना कहीं हैल हो रही है। द टाइम हैज़ कम टू रिलीज योर द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो देखिए, अगर आप ये सब नहीं कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है आपके लिए, न्यू लव, न्यू रिलेशनशिप, या फिर अपने रिश्तों को अच्छा करना जिनके साथ आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं ज़्यादा बेहतर है। अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं तो अपने आप को गिल्ट की फीलिंग से बाहर निकालिए, एक स्टिलनेस की एनर्जी से बाहर निकालिए, ज़्यादा सोचने समझने की एनर्जी से बाहर निकालिए और लाइफ को लेकर आगे बढ़िए। ये कार्ड आपसे कहता है योर लव लाइफ इज बीइंग अफेक्टेड बाय चिल्ड्रन। तो आपकी लाइफ में हो सकता है कि आप किसी ऐसी मैरिज के अंदर हो जहाँ पे सिर्फ आप बच्चों की वजह से ही हो, मैं यहाँ पे यही महसूस कर पा रही हूँ। खासतौर से ये किसी मेल की एनर्जी मुझे लग रही है जहाँ पे आप बच्चों की वजह से सेक्रीफाइस कर रही हैं या बच्चों को बहाना बनाया जा रहा है आपके लिए, यही एनर्जी मुझे फील हो रही है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। हो सकता है आप फीमेल हो, आपके साथ ऐसा हो रहा हो, लेकिन यहाँ मुझे मेल की एनर्जी, बहुत ही स्ट्रांग मस्कुलिन एनर्जीज हैं आज की थर्ड पाइल के अंदर। दोनों ही कार्ड किंग के हैं, क्वीन के नहीं है। यहाँ पर भी जो कार्ड रखा है नाइट का कार्ड रखा है, बहुत ही स्ट्रांग मस्कुलिन एनर्जी से, हालांकि डिवाइन फेमिनाइन भी है यहाँ पे, माँ सरस्वती भी है यहाँ पे, तो फेमिनाइन डिवाइन फेमिनाइन गॉडेस की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे माँ सरस्वती की, लेकिन मुझे यहाँ बहुत ही स्ट्रांग मस्कुलिन एनर्जी महसूस हो रही है। तो आपका हो सकता है आप मेल हो और आपके साथ ये सिचुएशन होती हो, या बच्चों को लेकर बार बार आपको टॉन्ट किया जाता हो, कुछ ना कुछ बच्चे और आपकी फैमिली के अंदर प्रॉब्लम मुझे दिख रही है इस मंथ में। हो सकता है कि आपके साथ ये सब हो, मैं खाली आपको यही कहूंगी, देखिए बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा, लेकिन कुर्बानी करने का वक्त जा चुका है आपके लिए, आपको अपनी चॉइसेस में से चूज करना ही होगा, चाहे आप चाहते हैं या आप नहीं चाहते। आप जो कुछ भी चूज करें वो बहुत ही सोची समझी जगह से आना चाहिए, यानी कि थोड़ा सा स्टेबल होके आपको अपने आप को पेन में ना रखते हुए डिसीजन लेने हैं, ताकि आपकी लाइफ सही दिशा में जा सके। तो आप अगर किसी तरह के एडिक्शन में है तो आपको एडिक्शन से भी दूर होना है। अगर अपने बिजनेस में ही लगे रहते हैं, अपने पार्टनर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आप अपने आप का ध्यान भटकाने की कोशिश कर सकते हैं या करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा। आपको अपने पार्टनर को भी टाइम देना चाहिए। या अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा कि आपके लिए क्या चीज़ें आपके साथ कैसे रेजोनेट करती हैं, क्योंकि सबकी सिचुएशन डेफिनेटली एक जैसी नहीं हो सकती। पर अगर आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं अपने पार्टनर पे, तो थोड़ा सा अपनी सिचुएशन में आपको अपनी एनर्जीज में रहने की ज़रूरत है। ये एक सिंपल सी बात है जो कि ये कार्ड कह रहे हैं। तो आपके सिस्टर आपसे कह रहे हैं नाउ आई हैव नो पेन, और मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ, बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज आ रही है और मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, आपसे ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि फ्लो में रीडिंग हो रही है इसलिए रीडिंग को भी नहीं रोक सकती हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि माफ़ कर दीजिएगा और प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे कार्ड है नाउ आई हैव नो पेन का, देर इज नो टाइम वेयर आई एम, टाइम इज ऑनली ऑन द अर्थ। तो आपके जो एंसेस्टर हैं वो आपको हमेशा ही गाइड कर रहे हैं और आपसे ये कह रहे हैं कि वो पेन में नहीं है और ना ही वो किसी तरह का दर्द महसूस कर रहे हैं, तो इसलिए अगर आप उनको लेकर दुखी हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। और आपके सिस्टर आपको यहाँ पे ये भी गाइड करना चाहते हैं कि ये जो अर्थ के ऊपर आप समय अपना बिता रहे हैं, इसमें आपको जो पेन महसूस हो रहा है वो इसलिए ही महसूस हो रहा है क्योंकि आप शरीर के अंदर हैं और आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों को, क्योंकि ये कार्ड जिस तरह की एनर्जी मुझे दिखा रहा है ये बहुत सोचने वाली एनर्जीज हैं, जहाँ पर आप सोच सोच के खुद को पेन देते रहते हैं, मेंटल ट्रॉमा टाइप का, मेंटल ट्रॉमा बाउंड आप हो रहे हैं। तो ये अपने आप को नहीं कीजिएगा इस मंथ में, आपको इससे बचना होगा और इसी चीज़ के लिए आपके एंसेस्टर भी आपको कह रहे हैं। ये कार्ड जो है आपके अंदर रिलेशनशिप के बारे में, फैमिली फ्रेंड्स के बारे में है। द हेल्दी पर्सन लिव्स इन हार्मनी विद नेचर, और ये कार्ड आपसे कहता है यू क्रिएट हार्मनी बाय मेकिंग चॉइसेस दैट फील राइट टू बोथ माइंड एंड हार्ट। तो आपके माइंड और हार्ट को जो भी चॉइसेस सही लगती हैं जिससे हार्मनी क्रिएट होती है वो लीजिए, और एक चॉइस को देखिए, एक ही चॉइस बनाइए आज के दिन में और देखिए कि आप उसके साथ में अच्छे से रह सकें और आगे की तरफ बढ़ सकें, यानी कि नेचर के साथ आपको थोड़ा सा हार्मनी क्रिएट करने की ज़रूरत है, या फिर किसी के नेचर के साथ भी हो सकता है कि आपको इस मंथ में हार्मनी क्रिएट करने की ज़रूरत है, या अपने साथ भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है, अपने साथ भी, लोगों के साथ भी, नेचर के साथ भी। एवरीथिंग लॉस्ट इज फाउंड अगेन, एवरीथिंग हर्ट इज हील्ड अगेन। कोई भी पेन हमेशा के लिए नहीं होता, ये आपके सिस्टर ने ऑलरेडी कहा है आपसे, एवरीथिंग हर्ट इज हील्ड अगेन। जब वो पेन में थे अब वो पेन में नहीं है, तो
पेन हील हो गया, पेन नहीं रहा। तो आपके एंसेस्टर यही कहना चाहते हैं कि इस ट्रुथ के साथ जुड़े रहिए और ये ध्यान रखिए कि ये जो चीजें हैं ये लर्निंग लेसन और एक्सपीरियंसेस के लिए ही होती हैं, जिनसे कि हम अनुभव लेते हैं, अपनी सोल को लेकर आगे बढ़ते हैं, सोल की ग्रोथ होती है। पास्ट की चीजों को पास्ट में छोड़ दीजिए, सिर्फ वहां से उन चीजों को लीजिए जहां पर आपको लगता है कि आपका दिल टूट गया था, आपके लिए कुछ खत्म हो गया था, आपके लिए कुछ खो गया था। हील करने का वक्त है और आपके लिए ये पूरी तरह से इट इज अ मंत्रा दैट स्ट्रांग एनफ टू ओवरकम पास्ट इंजरीज, दिस विल बी योर कॉन्स्टेंट थॉट टूडे। तो आपके लिए यही मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि अगर आप बार बार पास्ट की बातें सोचते रहेंगे, आपको कब किसने कहां कितना कैसे हर्ट किया, आप कभी भी हील नहीं हो पाएंगे। और अगर आप पास्ट के लोगों के साथ ही जुड़े रहते हैं तो यकीन मानिए आप कभी भी हील नहीं होते और हो भी नहीं सकते। तो अगर आप किसी ट्रॉमा बाउंड वाली सिचुएशन में हैं या फिर आपको पास्ट के साथ ही बार बार स्टक रखा जाता है, पास्ट की बातें बार बार लाई जाती हैं, आपको डिसाइड करना होगा कि ये बातें आपके साथ ना दोहराई जाएं। कुर्बानी करने का वक्त जा चुका है और ये नहीं है समय कि आप अपनी लाइफ को लेकर कुर्बानियां दें या फिर आप एक सेक्रीफाइस वाली एनर्जीज में रहें कि तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, तुम मुझे कुछ भी कह दो। मैं लड़ने के लिए नहीं कह रही हूं, लेकिन ये बाउंड्रीज आपको अब सेट करनी ही होंगी। तो जिनको सही लगे ले लीजिएगा, जिनको सही ना लगे वो रहने दीजिएगा। अवॉइड एडजेंस, और ये कार्ड आपसे ही कहता है कि आर्चेंजल राफेल से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको ऐसी चीजों को आइडेंटिफाई करने में और अवॉइड करने में हेल्प करें जिनसे आपको एलर्जी है, आपकी हेल्थ और हैप्पीनेस के अंदर जो टॉक्सिक एनर्जी क्रिएट करती है, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे वो आपकी लाइफ में लोग हों, रिलेशनशिप हों। तो ये तो आपकी सभी एरियाज की एनर्जीज हैं, आपको अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान देना होगा इस मंथ में। बाकी देखते हैं टैरो कार्ड आपसे क्या कहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ऑप्शन 3 को क्या जानने की जरूरत है इस मंथ में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को क्या जानने की जरूरत है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आपको इमोशनली बैलेंस होने की जरूरत है, अपनी इमोशनल जो आपकी एनर्जीज हैं उनको पूरी तरह से हील करने की जरूरत है। इस मंथ में आप रहेंगे ये आपको जानने की जरूरत है कि इमोशनल बैलेंस होकर ही आप अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हैं। अगेन मस्कुलिन एनर्जीज हैं, आप मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को क्या जानने की जरूरत है, थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। ओके, आपके कार्ड है लवर्स का, लेंगे नहीं पर ये देख लेते हैं। 5 of Cups का कार्ड है और ये अगेन लॉस्ट और लॉस होने की बात करता है। जब आप अपनी पुरानी कहानियों, पुरानी यादों, पुरानी बातों में ही लगे रहते हैं, वहां से निकलने का वक्त है। आपको क्या करने की जरूरत है इस मंथ में। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन ऑप्शन 3 को क्या करने की जरूरत है इस मंथ। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या करने की जरूरत है इस मंथ में। Emperor, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन ऑप्शन 3 को क्या रिलीज करने की जरूरत है इस मंथ में। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। मे बी आप लोग बोर हो जाते होंगे कि मैं शफल कर रही हूँ, लेकिन जब तक कार्ड नहीं आते तब तक शफल करना ही पड़ेगा। यहाँ पे कार्ड है 5 of Pentacles का, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन लवर्स के कार्ड का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे 9 of Wands का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। फोर ऑफ कप्स का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 6 of Swords का कार्ड। ये एनर्जीज कुछ लोगों के साथ ही मैच करेगी। ये आपके लिए, आप में से कुछ लोग शायद किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, आप में से कुछ लोग किसी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। ये हो सकता है कि आप सेम सेक्स में इंटरेस्टेड हों, ऐसी एनर्जी हो सकती है, या फिर इस तरह के रिलेशनशिप्स में आप हों, ये एनर्जी हो सकती है। आप किसी ऐसी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं या इस मंथ में आप करेंगे जिससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। इनकी यहाँ पर आपको लाइफ में एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है इस मंथ में कि आप किस चीज़ की तरफ फोकस कर रहे हैं। आप अवेयर नहीं है किसी सिचुएशन को लेके, आप खुद को ट्रॉमा बाउंड कर रहे हैं, या फिर आप बार बार किसी ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं, या बार बार आप किसी चीज़ को रिपीट करते रहते हैं जिससे अब आपको रुक जाना चाहिए।
ये अगर आप किसी अथॉरिटी की जगह में हैं, एम्परर की जगह में, और अगर आपके हाथ में पावर है और आप कोई ऐसी चीज़ों को, ऐसे कामों को कर रहे हैं जो आपको नहीं करने चाहिए, जो कि इलीगल कह लीजिए, अनएथिकल कह लीजिए, या फिर जो सही नहीं है, आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं, तो आपको रुक जाना चाहिए। आपको अवेयरनेस नहीं है इस बात की कि आप अपने जीवन में अपने लिए क्या गलत क्रिएट कर रहे हैं। आप जिस जगह पर हैं, ये बहुत ही मासूमियत वाली एनर्जीज हैं, बहुत ही हैप्पीनेस वाली एनर्जीज हैं, जो कि हो सकती हैं अगर आप रियल में एम्परर की एनर्जीज में हो। एम्परर यानी कि जो फोर किंग्स होते हैं, उनका उनका मिक्सचर कह लीजिए आप, फोर किंग्स, और फोर किंग्स एक जगह, एक एम्परर एक जगह, फोर क्वींस एक जगह, एक एम्प्रेस एक जगह। तो अगर आप एम्परर की एनर्जी को अचीव करना चाहते हैं, तो आप पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में नहीं रह सकते। आपको इस एनर्जी को लेने के लिए अपने हार्ट को सॉफ्ट करने की, या फिर अपने हार्ट को हील करने की, एक नई शुरुआत करने की ज़रूरत है। ये बहुत क्लियर एनर्जी है, अगर आपको समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ डेफिनेटली कोई ना कोई रिलेशनशिप ऐसा है जिसकी तरफ आप बहुत ज़्यादा या तो ध्यान दे रहे हैं, या फिर आप उसको लेके अवेयर नहीं हैं। आप में से कुछ लोग किसी को डेफिनेटली यहाँ प्रपोज करना चाहते हैं, किसी को आप पसंद करते हैं, बहुत स्ट्रांग एनर्जीज हैं यहाँ पे जो मैं देख पा रही हूँ, और आप किसी को शायद मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं या रिलेशनशिप का प्रपोजल देना चाहते हैं। लेकिन ये आप क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये आपके मन में क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ आपको किसी ऐसी सिचुएशन के लिए अवेयर होने के लिए कहा गया है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो रहे हैं, यानी कि इस मंथ में ऐसा हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड हों। आपको अपने हार्ट को हील करने की और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ना कि आपको एक लैक वाली मेंटेलिटी में रहने की, या फिर अवेयर ना रहने की ज़रूरत है, जहाँ पर यूनिवर्स आपको जो भी साइन दे रहा है आप उसको इग्नोर करते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। ऐसा नहीं हो सकता। इस मंथ में आपको यूनिवर्स जो भी साइन दे रहा है, आपको उसको सुनना होगा, समझना होगा, और उसके साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। आपको जो जानने की ज़रूरत है वो यही है कि आपकी लव लाइफ के ऊपर बहुत सारा शायद कर्ज किया गया है पिछले कुछ समय में, और इस मंथ में भी शायद लोगों की बहुत बुरी नज़र है आपके रिश्तों के ऊपर, या फिर इविल आई आपके ऊपर बहुत रहती है। होप कि आप लोगों को ना भेज रहे हो, अगर आप लोगों को नहीं भेज रहे हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप के अंदर थर्ड पार्टी बन रहे हैं, या फिर आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं किसी गलत दिशा या दशा में लेके जा रही है। आपको रुकना चाहिए, अब आपको इसमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। किसी को पेन दे के आप कभी भी खुश नहीं रह सकते, किन्हीं लवर्स को अलग करके आप खुश नहीं रह सकते। आपका रिश्ता ऐसे किसी इंसान से नहीं बन सकता, इसलिए अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आपको इसे रुकना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ किसी ऐसे रिलेशनशिप के अंदर हैं जहाँ पर आप किसी रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर आपके रिलेशनशिप के ऊपर ईविल आई बहुत रही है। तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि आपके रिश्तों के ऊपर, आपकी खुशियों के ऊपर, आपकी इमोशनल हैप्पीनेस के ऊपर लोगों की ईविल आई रहती है, या उस उन चीज़ों की वजह से आपको बर्डन भी महसूस हो सकता है। कोडिपेंडेंसी का कार्ड ऑलरेडी है रोमांटिक रिलेशनशिप में, यहाँ लवर्स का कार्ड है, तो आपको ये जानने की ज़रूरत है कि पार्टनरशिप जो आप कर रहे हैं इस मंथ में, या फिर आप करेंगे, उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ हिडन ना हो। आपको अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप साइन कर रहे हैं उसमें कुछ हिडन ना हो, कोई ऑफर आपके लिए आ रहा है उसमें कुछ हिडन ना हो, यानी कि कोई ब्लैक मैजिक की एनर्जी हो सकती है, स्पेल वर्क की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि ये कार्ड यही कहता है, और साथ ही साथ इविल आई हो सकती है, कोई इविल मैजिक हो सकता है आपके लिए। ध्यान रखिएगा इस बात को, थोड़ा सा बच के रहेंगे, सावधान रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आपकी ग्रोथ होगी। ये एक्चुअली आपके बाहर निकलने का ही टाइम है कि जब आप इन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, तो आपकी जो अवेयरनेस है उसको वापस लाने का वक्त है, और आपको अपनी सिचुएशन का कमांड अपने हाथ में लेने का वक्त है। चाहे वो आपका कैरियर हो, आपकी फाइनेंसिस हो, आपकी लाइफ हो, जो कुछ भी है, इस मंथ में आपको अपनी लाइफ में अपना कमांड अपने हाथ में लेने की ज़रूरत है। लेकिन साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि कहीं आप किसी की एनर्जीज में बॉन्ड तो नहीं है, किसी ने आपको बाइंड तो नहीं कर रखा किसी मैजिक के स्पेल वर्क से। इस चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रांगली महसूस हो रही है, जैसे किसी ने आपको अपने साथ बाइंड कर रखा है, या फिर करने की कोई कोशिश करता है, या फिर करा जा रहा है, कुछ ऐसा है, या तो पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है, या फिर आप अवेयर हैं इस चीज़ से कि आप ऐसे लोगों के साथ या तो उठते बैठते हैं, या फिर आपकी जानकारी में ऐसे लोग हैं, या फिर ये आपको पता है कि आपके साथ ये चीज़ें होती थी या हो रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है यहाँ पे। लेकिन अवेयर रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, और इस वाली लैक वाली मेंटेलिटी से आपको बाहर निकलना है कि आप बंधे हुए हैं। आप बंधे हुए नहीं हैं, आप जब चाहें अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बस आपको अपने थॉट पैटर्न को चेंज करना होगा। और कोई मुझे इतनी बड़ी बात नहीं दिखाई दे रही है, इसलिए घबराने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप बहुत ज़्यादा शायद किसी किन्हीं लोगों पे या किसी सिचुएशन पे डिपेंडेंट हो रहे हैं। आपको इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत है इस मंथ में, ताकि इंडिपेंडेंट होकर आप आगे बढ़ें। ध्यान रखिएगा, जो चीज़ें नहीं करनी होती वो नहीं करनी होती, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइए। अगर आप किसी तरह का स्पेल वर्क कर रहे हैं मत कीजिए।
यहाँ पे कार्ड है आपके लिए हायर लर्निंग का. यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस मोर इन स्टडीज नाउ रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्रेस. डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ और समझने की या जानने की जरूरत है अपनी लाइफ के बारे में, इसलिए आपको एक नई शुरुआत भी करने की जरूरत है. मैजिक मैनिफेस्टिंग योर ड्रीम्स विजन एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी. स्टे फोकस्ड. तो अपने ऊपर फोकस करना है, अपने कैरियर, अपने फाइनेंसिस पे फोकस करना है, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करना है, तभी आपके लिए जो मैजिक के मैनिफेस्ट होगा. लॉर्ड शिवा और माँ काली का कार्ड है, जबकि कार्ड मैं पहले अलग कर चुकी हूँ, रख चुकी हूँ, ये फिर भी ऑप्शन वन में भी ऐसे ही आए थे. थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन. यहाँ पे आपके लिए कार्ड है लव एंड पीस का. लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस. मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम. डेफिनेटली आपको लोगों से नहीं लड़ना है, आपको पीस वाले वाटर को चूज करना है और आगे बढ़ जाना है, अपनी ग्रोथ करनी है, उस पर फोकस करना है. लाइट एक्टिवेशन, ये कार्ड आपसे कहता है शाइन योर लाइट, योर इंटरनल गाइडेंस इज कमिंग थ्रू लाउड एंड क्लियर. तो आपको इंटरनल गाइडेंस मिलती रहेगी लाउड और क्लियर, उसको आपको सुनना है. लव एंड एक्सेप्टेंस, लव इज योर्स, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्ल्ड, चूज लविंग थॉट्स. तो लोगों की नज़र से अपने आप को नहीं देखना है, लोग आपसे क्या कह रहे हैं कि आप अच्छे हैं या नहीं हैं, बुरे हैं, कैसे हैं कैसे नहीं हैं, अपनी वर्थ को आपको खुद समझना होगा और कहीं पे बाइंडेड रहने के बजाय आपको आगे बढ़ना होगा. देखिए, अगर आप किसी पे स्पेल वर्क कर रहे हैं, कोई आपके ऊपर भी कर रहा है, यानी कि आप किसी को बाइंड कर रहे हैं तो कोई आपको भी कर रहा है. डेफिनेटली सेम पर्सन नहीं है, लेकिन आप जिससे भी मदद ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उसकी मदद आपको बहुत भारी पड़ रही है या भारी पड़ जाएगी. ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को. या अगर आप किसी को स्पेल वर्क करने में मदद कर रहे हैं, कोई किसी को कोई इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं, चाहे आप किसी को लेके कोई स्पाइंग कर रहे हैं, चाहे आप किसी के लिए कोई मैसेजेस मैसेंजर बने हुए हैं इधर से उधर करने के लिए, ये एनर्जीज इस मंथ में आपको बहुत भारी पड़ेगी. ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को. रिफ्लेक्शन का यहाँ पे कार्ड है. लाइफ टेंड्स टू मिरर बैक टू अस अवर इंटरनल एक्सपीरियंसिस थ्रू द सब्टल सिग्नल्स वी सेंड आउट. इफ यू वॉन्ट टू चेंज योर वर्ल्ड, फर्स्ट चेंज योर माइंड. अभी मैंने आपसे यही बात की, आप जो दे रहे हैं वही आप पाएंगे. ये डेफिनेटली अगर आप किसी को किसी का कुछ बुरा करते हुए देख रहे हैं तो आपके साथ भी कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, क्योंकि आप चुप हैं और आप साथ दे रहे हैं. आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए. ये एक बहुत क्लियर एनर्जी से, इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं. तो लाइफ हमारे एक्सपीरियंसेस में हमें वही देती है जिस चीज़ का हम रिफ्लेक्शन बाहर दे रहे होते हैं, जो सिग्नल्स हम बाहर दे रहे होते हैं. तो कुछ अपनी दुनिया में चेंज करना चाहते हैं तो अपने माइंड को चेंज करना होगा. आपको देखना होगा कि आप किस जगह से किस एनर्जी से इस मंथ में काम कर रहे हैं. आपके यहाँ पे कार्ड है ब्लेसिंग का. रिमेंबर आर रेनबो इज जस्ट वाइट लाइट अनपैक्ड. लाइफ अगर डार्क भी दिखाई देती है तो फिर भी ब्लेसिंग्स से भरी हुई होती है. सिर्फ अनकवर्ड उसको होना होता है. तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए. अपने दिन के अंदर आप कहीं ना कहीं रेनबो को वापस ला सकते हैं, अपनी लाइफ में रेनबो को वापस ला सकते हैं. तो होप कि आपके लिए ये मंथ ये मैसेजेस काम के रहे. इंस्पिरेशन का यहाँ पे मैसेज है, इंस्पायर रखिएगा खुद को. और आपके लिए ये नवंबर मंथ काम कर रहे, आगे आप बढ़े, आपकी ग्रोथ हो, यही मेरी शुभकामनाएं हैं. वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही. आपका ये समय आने वाला मंथ बहुत बहुत शुभ हो. थैंक यू सो वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.